आजकल मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एमपी के सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की तकरार खुलकर सामने आ गई है। इस मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से प्रदेश की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये कांग्रेस की परंपरा है सिर्फ फुटव्वल। मुझे तो अजीब सा लगता है कांग्रेस का संस्कार स्वभाव। अब एक तो मुझे दिल्ली के नतीजों पर कांग्रेस बहुत प्रसन्न हुई, भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक बार एक वरदान व्यक्ति को मिला था कि अगर मैं एक चीज को सामने वाला मांगे, एक व्यक्ति ने मांगा था, तो मुझे दो मिल जाए। तो जेलसी ऐसी थी कि उसको ये पता था कि मैं एक मांगूंगा इसे दो मिलेगा, तो उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए ताकि उसकी दोनों आंख फूट जाए। तो कांग्रेस तो अपनी एक आंख फुड़वा के मस्त है और अब ये सिर्फ फुटव्वल चल रही है। हम नहीं कह रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि सड़कों पे उतर जाएंगे, वादे पूरे नहीं कर रहे। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि उतरे तो उतर जाए, हम भी निपट लेंगे। अब ये इनके निपटाने में जनता निपट रही है और मेरा प्रदेश निपट रहा है, मेरे प्रदेश पे तो रहम करो। आपको बता दें कि दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस के कई नेता पहुंचे। कमलनाथ ने बैठक से निकलने के बाद सिंधिया पर पलटवार किया। दरअसल गुरुवार को सिंधिया ने टीकमगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि घोषणा पत्र में जो लिखा है वो घोषणा पत्र हमारे लिए ग्रंथ है और घोषणा पत्र का एक एक वाक्य पूरा ना हुआ तो अपने को सड़कों पर उतरेंगे। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। समर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से देखते हैं? तो उधर जाएं, चलो। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए थे। कर्ज माफी से लेकर संविदा पर तैनात शिक्षकों को नियमित करने का वचन दिया गया था, लेकिन चुनाव के एक साल पूरे होने के बाद भी सरकार अपने वचन को पूरा नहीं कर पाई है, जिसके खिलाफ अब सिंधिया अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में कूद चुके हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी सरकार को घेरा हो। इससे पहले कर्ज माफी को लेकर भी वो कमलनाथ सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।